begin our next session, Baloch Literature and Society. Our moderator for this session is Mujahid Barelvi. I request him to please take his place on stage. I will take this opportunity to introduce him. He is a well-known journalist, television commentator, and author. Currently, he hosts Mujahid Live, the flagship show on Channel 24. Yes, sir, please. Mujahid Barelvi will now introduce and call upon the speakers for this session. Thank you, Asfor. हमारे मेहमान आ चुके हैं और ऑक्सफोर्ड का खुसूसी तौर पर शुक्रिया कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए ये महफिल सजाई. अभी हमारे काजी साहब ये कह रहे थे कि आपने बलूचिस्तान के साथ क्योंकि लिटरेचर और आर्ट वगैरह रख दिया, अगर इसमें लिखते मज़ाहमती तहरीक और अलहदगी तो शायद यहाँ रहने की इस कमरे में हॉल में खाली जगह ना होती. लेकिन ऐसा नहीं है, बलूचिस्तान पर गुफ्तगु उसके तमाम पस मंज़र के साथ होगी. और मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान की बल्कि पाकिस्तान की पहली जो खातून स्पीकर राहिला दुलानी हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाई हैं. कम अज़ कम इस एतबार से बलूचिस्तान के लोग महरूम नहीं हैं कि वो जहाँ सरदार और नवाब और बड़े बड़े बैठे हों वो राहिला दुलानी को, जिन्होंने माशाल्लाह इनका ख़ानदान बड़ा एजुकेटेड है, उनको अपना स्पीकर चुना है. और उनके साथ ही बलूचिस्तान के बहुत बड़े सियासी घराने के माशाल्लाह दुनिया के तमाम ही मुल्क में सिफारतकारी की अशरफ जहांगीर काजी साहब, यूनाइटेड नेशन में सूडान के रहे, हिंदुस्तान के रहे, वो भी तशरीफ़ फरमा है. मैं दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस स्टेज पर तशरीफ़ लाएं. और उसके साथ ही हमारे वाहिद बख्श बुज़दार साहब यहाँ कायद अज़म यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं. आप यहाँ बैठिएगा काजी साहब. मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वाहिद बख्श से तशरीफ़ लाएँ. और साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि हमारी मुल्क की मुमताज़ शायरा फहमीदा रियाज इस एतबार से मुनफरिद हैं कि जब इंग्लैंड से आई तो इन्होंने अपना जो पहला चुना वो बलूचिस्तान और उस वक्त 70 की दहाई की तहरीक के लोगों से करीब हुई. मैं दरख्वास्त करूंगा फहमीदा रियाज से. भाई जान अभी इधर बैठे. एक बार फिर ऑक्सफोर्ड का शुक्रिया कि उन्होंने एक सेशन बलूचिस्तान के लिए रखा. और जैसे मैंने कहा कि राहिला दुनानी यहाँ तो शीफरमा हैं और काजी साहब और ये, और यहाँ मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इन लोगों को जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है सिर्फ़ एक ताल्लुक़ और वास्ता बनूँ. आमतौर पर हम लोग जो एंकर लोग हैं वैसे भी इस मामले में बहुत बदनाम हैं. वो कहते हैं जी अभी ये सवाल करके उसका जवाब नहीं आता कि फिर सवाल कर देते हैं और पूरा शो वो उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं पर ख़त्म होता है. एक तो खैर ये मेरा मौजू नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान के एक तालिब इल्म की हैसियत से ज़रूर उस वक्त की क़यादत से रब्त राबता रहा और वहाँ तवातुर से आते जाते भी रहे, कुछ थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश की, देखने की कोशिश की. तो मैं ये चाहूँगा कि लिटरेचर और आर्ट और बलूचिस्तान में अपनी जगह, लेकिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है मेरे, इतराफ़ करेंगे काजी साहब और राहिल हबीबी और अब वाहिद बख्श साहब, के बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता है, मेन स्ट्रीम में उसको उनको जगह नहीं जाती. कोशिश की है हमने ऑक्सफोर्ड ने और उसकी सबब वहाँ महरूमियाँ भी बड़ी हैं. कतई तौर पर मैं वहाँ इसकी सियासी हवालों से गुफ्तगू नहीं करूँगा, यानी प्योर जो डिस्कशन का मौजू बनती है. लेकिन मैंने कहा कि ये किस तरह मुमकिन है कि बलूचिस्तान के अदब को, वहाँ की मौसीकी को, वहाँ के आर्ट को, वहाँ के कल्चर को डिस्कस किया जाए और सियासत से अलग रखा जाए. सब जानते हैं कि वहाँ पर 5 बड़ी तहरीकें चलीं, उनका असर पूरे बलूच सोसाइटी में पड़ा, लेकिन बतजरीज आज वो बलूचिस्तान नहीं. और शायद हम लोग बहुत सारे लोग बलूचिस्तान पे, हमारे मेरे उस्ताद निसार उस्मानी कहा करते थे कि अगर आपको किसी मौजू पर गुफ्तगू करनी है तो उस जगह ज़रूर जाओ. यहाँ लोग पेशावर गए नहीं हैं और ड्यूल नाइन के इस तरफ उस तरफ बात करते हैं, क्वेटा गए नहीं हैं कि बलूचिस्तान के अलहदगी की तारीखें देने लगते हैं. तो ये एक हमारी बदकिस्मती रही है. तो मैं काजी साहब आपसे, स्पीकर साहिबा तो क्योंकि सदारत कर रही हैं आपको इल्म है
कई सब एक तो माशाल्लाह मैंने कहा आपका घराना वाबस्ता रहा और आपने दुनिया में किया, ये जो एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस हवाले से लोग कहते हैं कि जी ने महरूम रखा गया, पसमानदा रखा गया हर एतबार से, क्या हम आसानी से जैसे पहले बात कर दिया करते थे कि इसके ज़िम्मेदार वहाँ के सरदार हैं, नवाब हैं, स्टोट इग्नोर करती है, क्या असबाब हैं काजी साहब? जी अब ऑन है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मुजाहिद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने इतनी ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दी है सारों के लिए, और इसी तरह अमीना साहिबा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये मौजू जो है मैंने पहले से भी जब मैंने ये इनविटेशन रिसीव किया तो मैंने इनसे बात की कि ना तो मैं शायर हूँ, ना तो मैं अदीब हूँ, और ना मैं बलोच हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि बलोचिस्तान में सिर्फ बलोच रहते हैं या मकामी लोग सिर्फ बलोच हैं, और ये हकीकत नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान में और भी मकामी लोग हैं, बल्कि तीन हैं मेजर मकामी लोग, बलोच, ब्रावी और पश्तून। तो पश्तून होने की हैसियत से पशीन से मेरा ताल्लुक है, लेकिन हमें एक पाकिस्तानियत के साथ एक बलूचिस्तानियत भी एक ये हमें ये एक एहसास पैदा हुआ है। तो जहाँ कोई चीज़ अगर वो मस्बत हो तो हम सब उस पर फ़ख्र करते हैं। अब आप देखें हाल ही में गल्फ़ में बलूचिस्तान के क्रिकेट टीम या क्वेटा का उन्होंने क्या नाम रखा ना तो ये बलोची है, ना ये पश्तो है, ना ये ब्रावी है, ये अंग्रेजी खिलाड़ी भी था पर कुछ नहीं है। ये ग्लैडिएटर्स का नाम, बड़े बड़े अच्छे नाम है बलोची में, पश्तो में जो लगा सकते थे। बहरहाल ये एक से वो इसी सिम्टम्स की एक अलामत है कि हमें बाहर वाले नाम देते हैं तो उसी को हम कबूल करते हैं। इसी तरह वो नाम ही आपको 70 में मिला बलूचिस्तान का। हाँ ना, बलूचिस्तान तो खैर पुरानी चीज़ है, लेकिन यू आर राइट के जो प्रोवेंशियल स्टेटस, और अक्सर आप देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया में ये सेंटेंस या फ्रेज जो है सुनने में आता है, देखने में आता है, पढ़ने में आता है कि नाराज़ बलोच, हमारे बलोच भाई नाराज़ क्यों हैं। ये नाराज़ कहना कोई अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ी सी तोहीन आमेज़ लकब है समझे। मज़लूम अगर कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनके साथ जुल्म हुआ है, और ये जुल्म जिस तरह आपने भी इशारा दिया है कि जब से पाकिस्तान बना तो 5 दफ़ा, बल्कि मैं समझता हूँ 5 क्या, ये एक ही प्रोसेस के मराहिल हैं या वो चैप्टर्स हैं कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर बलोचों में, पश्तून में निस्बतन कम, हमारे ब्रावी भाई जो हैं ज़ुबान के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बलोच भाइयों से, लेकिन जहाँ तक सियासत है वो तकरीबन एक हैं, और उसकी एक तारीखी वजूहात हैं, क्योंकि 18th century में बलोच और ब्रावियों के दरमियान एक कन्फेडरेशन वो वजूद में आया, और उसकी जो वो खानफ कलात की लीडरशिप के तहत, तो इसलिए सियासी लिहाज से ये तकरीबन एक है, अगरचे इनकी ज़बान में बहुत फ़र्क है कि ब्रावी ज़बान जो है वो तकरीबन वो समझा जाता है, और बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उसके स्ट्रक्चर को जो देखते हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन लैंग्वेजेस तमिल वगैरह जो है उनसे इसकी वो कुछ वो रिजेंबलेंस है, वो तशबीह देते हैं कि ये उसके नज़दीक है, तो उस बेसिस पे ब्रावी को ड्राविडियन समझने लगे लोग। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे पता चलता है कि हमारे जो ब्रावी भाई हैं ये आर्यन जो अमवाज धर्मवाज जो आते रहे वो ये उनमें से अर्लीस्ट फेजेस में से, अर्लीस्ट वेव्स में से हैं, और उन्हीं के कज़न्स हैं जो साउथ इंडिया गए हैं, और अब वहाँ भी ये समझा जा रहा है कि वहाँ के लोग दरअसल द्राविडियन नहीं हैं, अर्ली आर्यंस हैं। तो लेकिन और उनकी गिनती अपनी है, लेकिन बाकी 5 तक इनकी गिनती है, 60 तक आप बेहतर जानते होंगे, उसके बाद वो बलोची में गिनती करते हैं। तो आपस में वो जो हमारे जो बलोच खास ट्राइब यानी फॉर एग्जांपल मेंगल दे के, मेंगल अपने आप को बलोच भी समझते हैं और अपने आप को
براوی بھی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ فرق نہیں کرتے ہیں فرام اے پوائنٹ آف ویو. اور اس لیے یہ بلوچ کہتے ہیں کہ ہماری جو زبانیں ہیں ایک نہیں ہیں, بلوچی صرف نہیں ہیں, تین زبانیں ہیں ہماری, ہماری براوی ہے, بلوچی ہے, براوی ہے اور سرائیکی. اچھا, ہاں اس کو بھی وہ اپناتے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے وہ تمام جو سندھ کا رائٹ بینک ہے, انڈس کا رائٹ بینک جو ہے سندھ میں, وہ بلوچ ہیں سارے بلوچ, اگرچہ وہ ابھی سندھی بولتے ہیں یا سرائیکی بولتے ہیں. وہ سارے سبھی سے لے کے آگے آپ جائیں جیکب آباد اور آگے سکھر کراچی تک وغیرہ, یہ حیدرآباد وغیرہ, یہ جو رائٹ بینک کے ہیں یہ سب, اور وہاں حکمران بھی رہے ہیں. تالپور جو ہیں, تالپور یہ تو بلوچ لوگ ہیں, اور اسی طرح وہ جتوئی یہ بھی بلوچ ہیں, اور پنجاب میں اگر آپ جائیں لغاری اور مزاری اور بہت سارے اقوام ہیں وہاں جو بلوچ ہیں, لیکن پنجاب میں رہ کے ان کو سرائیکی ان کی زبان ہے, پنجابی تک وہ بولتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ یہ پنجاب کا حصہ ہے اور سدرن پنجاب کا حصہ ہے, اور ہے ضرور, لیکن یہ ان کے اوریجن, اور ان کو اس بات پہ فخر ہے کہ ان کی پہچان بلوچوں کے ساتھ ہوتی ہے, ان کی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. ایک اور ایک بات ہے کئی صاحب, لیکن ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں, میں نے پشتوں کی بھی بات کر رہی ہے, آپ نے تین لوگوں کو کہا, لیکن ایک میں بتاؤں, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان میں صرف بلوچی ہوتے ہیں, پشتوں ہوتے ہیں. ہاں یہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے, کچھ بہت 15-16 سال پہلے کی بات ہے, تو میں لزبیلا میں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ دور سے دو مری آ رہے تھے, جی, تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا, میں چھوٹی موٹی بلوچی میں, تو بلوچ, تو اس نے کہا ہاں بلوچ, تو میں نے کہا کجام بلوچ, اس نے کہا مری بلوچ, تو اس نے کہا تو بلوچ, تو میں نے کہا ہاؤ, تو کہتا ہے کجام, میں نے کہا بریلوی بلوچ. اچھا وہ بےچارے بہت دیر تک دونوں چلے گئے بڑے پریشان کہ یہ نئی شاخ کون سی آ گئی بلوچوں مریوں میں. اور یہ تو ذکر کے وہاں تعلق رہا. واحد بخش, آپ نے جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے تو بلوچستان میں سمجھا جاتا ہے, اور انہوں نے بڑے اچھی, ابھی میں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا بلوچستان کے 9 ممتاز شعراء کرام کا ان کو پس منظر سے کیا ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہیں, کس حد تک بلوچستان کا میر گل خان نصیر سے لے کر اور پھر ہم آزاد جمال دینی اور پھر اپنے بہت آئے, آپ سمجھتے ہیں جو قاضی صاحب کے گفتگو میں لٹریچر میں کتنا اس کا ریفلیکشن ہوا؟ واحد جان شکریہ بریلوی صاحب. مجھے اگر میں تھوڑی سی اگر پور جنرلائز کروں تو بلوچی شاعری کا جو آپ نے حوالہ دے رہا تھا کہ 8-9 پوائنٹس پہ میں نے کام کیا, تو بلوچی شاعری میرے نزدیک جو ہے, آپ عظامتی شاعری کی بات کر رہے تھے, میرے نزدیک یہ ہے کہ بلوچی شاعری جو ہے صرف دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے. ان کی ساری لڑائی جو ہے خوبصورتی اور بدصورتی کی لڑائی ہے. آپ اس کی جو مزاحمت, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو رومانٹک پوئٹری ہے وہ بھی اتنی ہی مزاحمت رکھتی ہے جتنی ریزسٹنٹ پوئٹری مزاحمت رکھتی ہے, لیکن بلوچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ خوبصورتی چاہے جو بھی ہو وہ خوبصورتی کے ساتھ ہیں, بدصورتی چاہے جس شکل میں بھی ہو بلوچ کو وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب بھوک بھی بدصورتی ہے, ظلم بدصورتی ہے, اور محرومیوں کی ہے, سارا کچھ یہ بدصورتی کی تمام تر شکلیں جو ہے گل خان نصیر کی جو آپ بات کر رہے تھے, وہ ساری زندگی اس بدصورتیوں کے خلاف لڑتے رہے گل خان نصیر. اور اس کے بڑے پن کا میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ آدمی بڑا کس طرح بنتا ہے. ایک تو میں حوالہ دوں گا, ہمارے ایک سردار تھے, نواب تھے میر یوسف عزیز مقصی, جب وہ اس نے اپنا وصیت لکھوانا چاہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی, میری جائیداد جو ہے ایک ٹرسٹ بنا کے بلوچوں کے نام کیا جائے, تو اس کی ماں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا جی آپ ساری جو جائیداد کو پراپرٹی کو آپ بلوچوں کے نام کر رہے ہیں تو ہم سانپ نہیں ہے کہ مٹی چاٹ کے گزارا کریں گے. تو نواب یوسف الدین مقصی نے کہا کہ اماں بلوچوں کے خون پینے سے سانپوں کی طرح بٹی چاٹ کر کھانا زیادہ بہتر ہے. تو گل خان نصیر کی میں بڑائی کی بات کر رہا ہوں, جب وہ اس کی مسز نے کہا کہ ان کا کوئی نرینا اولاد نہیں تھا, تو اس کی مسز نے کہا نیک بخت, گل خان کو کہا اس نے, کہتے نیک بخت دوسری شادی کرے تاکہ آپ کو کوئی بیٹا ہو. تو گل خان نصیر نے کہا کہ بیوی کو اس نے کہا کہ نیک بخت یہ سارے بلوچ آپ کے میرے اور آپ کے فرزند ہیں, سارے بلوچ میرے آپ کے فرزند ہیں, تو ہم میں دوسری شادی کر کے کیا کروں گا. تو یہ ہے بڑا پن میں کہہ رہا ہوں نا سے. اور یہ ساری جو میں ذکر کر رہا تھا, بلوچی شاعری گل خان نصیر کی بنیادی طور پہ جو شاعری ہے وہ انکار کی شاعری ہے, مزاحمت کی ہے, نگیشن کی شاعری ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے گل خان نصیر. مطلب یہ کہہ رہے کہ خوبصورتی آپ کپڑے کیوں پہن کے, بلکہ ایک اور میں ذکر کروں بھائی جان, گفتگو مکان میں جاری ہے اور اس میں ابھی فہمیدہ ریاض پہ میں اس لیے آؤں گا کہ یہ 70 کی دہائی میں گئیں اور میر گل خان نصیر سے ملنے گئیں, وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ یہ جیل میں ملنے گئیں,
میر گل خان کی یہ کہنے لگیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ فہمیدہ ریاض آ رہی ہیں, اور اب فہمیدہ ریاض جو آپ سوچیں 70 میں گئیں تو بڑے تیار ویار سوٹ ووٹ پہن کر آئے تھے, اور خیر انہوں نے ان کو شعر بھی سنائے اور ان کو ترجمہ بھی کیا. تو فہمیدہ آپ 70s میں 70 کی دہائی میں گئیں, اس وقت بلوچستان میں ایک پورا مزاحمتی تحریک چل رہی تھی, اور اس کے بعد مجھے علم ہے کہ آپ کا بڑا تعلق اور واسطہ ہوا, آپ نے پھر نظم بھی بڑی کہی, بڑی مشہور نظم ہوئی ہے پتھروں پہ دمکتا اکیلا لہو یہ ہمارا لہو بہ رہا ہے بے سہارا لہو بہ رہا ہے. جی فہمیدہ. دیکھیے چونکہ جیسے کہ تم نے کہا تھا کہ اگنور کیوں کیا جاتا ہے, دراصل حقیقت یہ ہے کہ صرف کوئی ایک بلوچستان کو تو نہیں, سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے حصے ہیں جیسے سندھ ہو تو اس کو کون سا نہیں اگنور کیا جاتا, اس کے بارے میں کون سی اطلاعات ہیں اس کے کسی بھی زندگی کے پہلو کے بارے میں جو باقی کے ملک کے لوگوں تک پہنچائی جاتی رہی ہیں, تو بلوچستان بھی اس کا ہی ایک حصہ بن گیا اتفاق سے. ہمارا یہ جو پوری کی پوری تاریخ رہی ہے ہماری 70 سالہ تاریخ, اب تو 70 سال ہو جائیں گے, تو اس کا یہ شروع کا یہ پہلے میں اس کو المناک کہتی تھی, لیکن اب میں سوچتا ہوں دیکھیے یہ ایک نیا ملک تھا اور یہ کیا شکل اختیار کرے گا, یہ کچھ واضح ہے یہاں کے جو کرتا دھرتا تھے ان پر اتنا نہیں تھا, اور ایک کنفیوژن کا زیادہ آپ اس کو دور کہہ سکتے ہیں جس کے پیچھے اس کی اپنی تاریخ ہے. بلوچستان میرا سے بلوچوں سے میرا بہت پرانا رابطہ رہا, اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے میں ان کے لٹریچر کو بھی پہ بھی میری نظر پڑ سکی, ان سے جو میرا تعلق ہوا وہ بھی مجاہد بریلوی صاحب کے تھرو ہی ہوا تھا, اس زمانے میں یہ بھی اسٹوڈنٹ تھے. کراچی میں بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نام سے جو یونیورسٹی اور مختلف علاقوں میں وہ پڑھتے تھے لڑکے, تو ان سے بات چیت کرنے پر میں نے کہ کچھ بھی تو پتہ نہیں تھا, اور آج تک غالباً اب تو کچھ پھر بھی پھیلا ہے, ورنہ پنجاب کے لوگوں کو بلوچستان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا, وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بلوچ لوگ کون ہیں, یہ اطلاعات یہاں تک بالکل نہیں پہنچی تھیں. یہی نہیں طے پایا کہ پاکستان کو ایک یونٹری سسٹم کے تحت چلانا چاہیے یا یہ ایک فیڈریشن ہے اور اس کو ایک فیڈرل سسٹم کے طور پر چلانا چاہیے, تو اس پر کافی کنفیوژن تھا, اور بار بار اس میں پھر ون یونٹ کا بھی نفاذ کیا گیا کہ بس اب ہم تو سب ایک یونٹ ہیں, اس کے اندر تمام صوبوں کے نام جو ہے ہٹانے کی ایک دور پورا ایسا گزرا ون یونٹ کے بیچ میں, تو تب تو سندھ کے اندر بھی بڑی اس کے خلاف ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی, جو کہ کچھ غلطیاں تھیں جو کہ ہوتی آئیں اور چلتے رہے, لیکن یہ کہ اب ایک دوسرے مقام پہ پہنچی. میں بہرحال میں نے یہ سوچا تھا کہ میں خود جاتی ہوں اور معلومات خود حاصل کروں, تو میں وہاں گئی تھی کوئٹہ گئی. کوئٹہ میں اس وقت ہمارے ایک اچھے دوست بن گئے جن کا نام تھا ملک محمد پناہ. آپ لوگ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام سے واقف ہوں کہ نہ ہوں, وہ ایک رسالہ نکالتے تھے اور ان کے دفتر میں جا کر میں بیٹھ جاتی تھی اور وہاں پر معلومات حاصل کرتی تھی کہ کس سے ملا جائے اور وہاں سے مجھے کیا پتہ چل سکتا ہے. دیکھیے گا کہ وہاں پر ہی مجھ کو علم ہوا کہ بلوچستان کی, پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ سینسرشپ, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی کوئی خاص سینسرشپ نہیں رہی ہے سچ پوچھیں تو, اور کم کتابیں بین کی گئی ہیں, لیکن جو بین کی گئی تھی کتاب وہ ایک تاریخ کی کتاب تھی اور وہ گل خان نصیر صاحب نے لکھی تھی, اور وہ تھی تاریخ بلوچستان, اور اس کا حصہ دوم بین کیا گیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو وہاں پر مجھے میری ملاقات ہوئی اور میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیے چونکہ وہاں پر ایک بنیادی طور پر تھا تو یعنی قبائلی سماج زیادہ تھا نا, تو ان میں سے جسے سول سوسائٹی آج کل کہتے ہیں پڑھے لکھے لڑکے, اور لڑکیاں تو اس وقت کم ہی تھیں مگر پڑھے لکھے لڑکے, تو وہی تھے جو وہاں کی گورنمنٹ کی ملازمت کرتے تھے پارٹ ٹائم, اور بعد میں پارٹ ٹائم تو وہ اس طرح سے ہو گیا کہ وہی سب جو تھے وہ بلوچ نیشنل تحریک بھی چلا رہے تھے.
तो वो सुबह के वक्त दफ्तर गए और 3 बजे बंद हो गया, उसके बाद वो वहाँ से आकर और फिर वो जो थे वो बलोच मुजाहिद बन जाते थे और दूसरी सुबह फिर दफ्तर चले जाते थे। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें वो इकट्ठे कर रहे थे और वहाँ मुझे तारीख़ बलोचिस्तान का वो हिस्सा दोयम भी, मुझको एक मरी ही थे वो भी नौजवान नहीं शाह मोहम्मद तो बहुत बाद की बात है, सूरत खान ने मुझको ये ला कर दिया कि अच्छा वहाँ पर। और जो पता चला वो क्या है, पता चला कि जैसे कि वहाँ के अवाम को और वहाँ के मुआशरे को समझने के लिए कि बाज़ ऐसे भी लोग थे जो कि पहाड़ों पर जाकर उस वक्त जंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से काफ़ी कुछ वो भी थे जो वहाँ पर दिन के वक्त दुकानें उकाने किया, एक सीज़न में उन्होंने अपनी दुकान चलाई एक सीज़न में पहाड़ों पे चले गए, बिल्कुल यानी कि पीसफुल सिटीज़न थे, और दूसरे सीज़न में वो पहाड़ पे चले गए वो उठा के बंदूक और वहाँ पर लड़ रहे थे, फिर वो वापस आ जाते थे। तो उनको इटर्नल दुश्मन गर्दानने के लिए, उनको इंतहाई सख्ती से कुचलने के लिए, उनका बुरा हाल बनाने के लिए जो इकदाम किए गए, वो उस सोसाइटी से, उन लोगों से, उनकी एस्पिरेशन से बिल्कुल जो है वो दूर रहने। आपने देखा कि एक शायरों से आमतौर पर कहते भाई शेर सुनाइए आप क्या ये, लेकिन क्योंकि फहमीदा ने तो पुष्पमदर किया है जी स्पीकर साहब आप, तो ये जो आपको मैं राहिला दुरानी को कहूँगा कि इतने बड़े मैंगलों ने और जहरियों ने और रईसानियों ने और रिंदों ने, बड़े बड़े सरदारों ने, और फिर इधर हमारे अचकजैयों ने और काकड़ों ने और सबों ने बगैर जंगो जदल के आपको मुंतखब कैसे कर लिया स्पीकर असम्बली का, और गालिबा कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ अपोज हुई, और ये इसको क्या समझा जाए, मसलन अगर सिर्फ एक अगर खातून बलूचिस्तान असम्बली की स्पीकर हो जाए, यकीन हम लोग तो बड़े फख्र से कहते हैं, लेकिन आप ओवरऑल समझती हैं, क्योंकि ये समझा जाता है हमारे बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में दोनों में कि यहाँ के अब यानी अब तो खैर बहुत चेंज आ गई है कि अभी तक हम देखें कि वहाँ की जो ख़ास तौर पे जो आप इस रूरल एरिया मरी एरिया बुक्ट एरिया और इधर दोनों पे इतनी ही बैकवर्ड हैं, या आप समझती हैं कि नहीं हम काफ़ी बढ़ गए और हम शायद इग्नोर हैं, हमें इल्म नहीं है राहिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग हियर। सबसे पहले तो शुक्रिया ऑक्सफोर्ड वालों का और आपका कि आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया। टॉपिक तो था लिटरेचर के हवाले से, सॉरी आपको कोई आवाज़ आ रही है? जी ऑन है, मैं बोलती आता हूँ तो स्पीकर होते हुए भी स्पीकर वहाँ भी यही मसला है। तो ये है कि देखें मैंने सियासत जो आगाज़ किया था, वैसे तो स्टूडेंट लाइफ में भी सियासत करती थी और लाइक मुख्तलिफ हेड गर्ल भी थी, यूनियन में भी थी, और लेकिन मैंने कभी भी सियासत में आने का सोचा नहीं था कि मैं एज अ लीडर या सियासत में आऊँगी। मुझे हमेशा से सोशल रिफॉर्म्स बहुत पसंद थे और मैं हमेशा अभी भी चाहती हूँ कि मुझे सोशल रिफॉर्मर के तौर पर लोग याद रखें या उसे मुझे कहें। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं ताकि उससे आपको पता चलेगा कि इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। मैंने अपना मास्टर्स मैस कम्युनिकेशन में किया था, मैस कम्युनिकेशन में मैंने अपना मास्टर्स किया था, और मैं बलूचिस्तान की पहली पश्तून हूं जिसने जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन अपनाया, और इसी के साथ साथ मैंने लॉ भी किया। सुबह में मास्टर्स करती थी, इसमें एमए क्लासेस लेती थी, शाम को मैं लॉ करती थी, और फिर मैंने लॉ को भी साथ एज अ प्रोफेशन अपनाया। जर्नलिज्म में ये 90s की बात है, और जर्नलिज्म में इतना वो उस वक्त कोई वो नहीं था, और मेरी फैमिली की तरफ से भी ये था कि आप ये क्यों सा प्रोफेशन में जा रहे हैं, आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं पायलट बनना चाहती थी। मेरे घर वालों ने मुझे पायलट नहीं बनने दिया, उन्होंने कहा लड़कियाँ कहाँ पायलट बनती हैं, और देन मेरी कज़न जो हैं वो पहली पाकिस्तान की पायलट बनी सबा खान फ्यू ईयर्स के बाद। तो ये जो तकलीफ थी मेरी अंदर के मुझे इजाज़त नहीं मिली, और कुछ अरसे बाद ही तो मैंने कहा मैं भी डॉक्टर नहीं बनूंगी, हालांकि मेरी सीट हो गई थी, और मैंने जर्नलिज्म अपनाया। उन्हें मेरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, और दिस इज़ द 5th-6th जनरेशन जो हमारी ख़वातीन में पढ़ी है, लेकिन चूंकि सोसाइटी ऐसी थी कि वो समझते थे कि लड़कियों को ख़ास प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो मैं
मैंने फिर भी उनसे लड़ झगड़ के किसी न किसी तरह मैंने जर्नलिज्म और लॉ को अपनाया, जो कि उस वक्त बहुत मुश्किल था, 1997-98 की बात है ये। और उसके बाद मैं इसी तरह बलूचिस्तान की पहली खातून हूँ जब मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ साहब ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अनाउंस किए तो मैं एक कोर्स पे अमेरिका गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो बलूचिस्तान में किसी को भी खातून को कह रहे थे कि आप नाजिम के पेपर्स जमा नहीं कराएंगे और कौंसलर्स आप ज़रूर जमा कराएं। तो मुझे बहुत अजीब सी बात लगी कि ख़वातीन क्यों नहीं एज अ नाजिम जमा करा सकती, क्या है उनमें कमी, जब कौंसलर थे तो वो कौंसलर नहीं जमा करा सकती थी, अब एक नया सिस्टम नाजिम का आया तो नाजिम नहीं। तो देन आई सबमिटेड माई पेपर एंड आई कंटेस्टेड एज अ यूनियन, फर्स्ट यूनियन नाजिम के तौर पर किया, चूँकि वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैं एक मज़े का वाक़या सुनाऊँ कि जब मैंने वो इलेक्शन, जब मैंने कंपेन शुरू की, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, तो आई वेंट डोर टू डोर कंपेन मैंने की। और जब मैंने वहाँ पर जो मेरे ओपोनेंट थे, उन्होंने, मेरे सीनियर एडवोकेट थे, उनको मैसेज भेजा। ओपोनेंट कौन थे बाय द वे? वो भी इस वक्त मेंबर हैं असेंबली के, मंजूर काकड़ साहब। तो उन्होंने, उनके बड़े भाई ने मैसेज भेजा कि आप इन्हें कहें कि ना आप अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा वक्त ज़ाया करें, आप बैठ जाएं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, रहते हैं इंसान यंग होता है उसके दिल में होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगी, और मैं अपनी कंपेन करती रही करती रही। उसके 2 वीक्स के बाद उन्हीं साहब ने मैसेज भेजा कि प्लीज़ इसे कहें आप, जो ये तो मसला बन गया, मेरे घर की खवातीन भी इनको वोट दे रही हैं। तो वो चीज़ें, वो कंपेन की फ़र्क था कि मैं हर खातून के हर घर में गई और उन खवातीन से बहस करती थी। और मैं, आप यकीन करें, जो आपका सवाल है कि वहाँ बलूचिस्तान की खवातीन, तो ये 2000 की बात है, और 2000 में अगर इतनी अवेयरनेस थी और वो खवातीन मुझसे आर्ग्यू करती थी कि आप आ जाएंगी तो आप क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, तो मुझे इलाके में सबसे ज़्यादा वोट्स खवातीन के पड़े, मर्दों के भी कम पड़े, लेकिन बहरहाल वो जिस तरह भी मुझे हरा दिया गया, तो मैं बड़ी डिसहार्ट थी। मैं फ्यू वोट से हारी, चंद वोटों से। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मेरी टीम भी छोटे से, हमारे स्टूडेंट्स थे, मेरे कज़न्स थे, और लाइक मैंने फिर मेरी वालदा जो थी ना, सबसे मैंने अपनी वालदा की 2 दफ़ा नाफरमानी की है ज़िंदगी में। एक तो इन्होंने मुझे सियासत में आने से, उन्होंने कहा आपने सियासत में नहीं आना, वो बहुत नाराज़ थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत सख्त नाराज़ हूँ। अब वो मैं हार भी गई तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन शुरू हो गया। तो उसमें जब जाम यूसुफ साहब थे मरहूम, हमारे CM रहे हैं, उन्हें किसी ने बताया कि ये कोई खातून है, लड़की है, और वो उस वक्त बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अपनी जमात में लेना चाहता हूँ। उस वक्त मुस्लिम लीग क्यों नहीं बन रही थी, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया स्ट्रेट अवे, क्योंकि मैं तो मुझे इजाज़त ही नहीं थी, वो पहले मैं इतना लड़ झगड़ के काम कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो है मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा और नीलोफर बख्तियार साहिबा और परवीन मक्सी साहिबा सारे मेरे घर आए, मेरी वालदा से बात की और मुझे इजाज़त मिली। दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ द हाउ टू आई बिकेम अ पॉलिटिशन। तो उसके, मुझे नहीं पता था अल्लाह पाक की ज़ात ने वो तो हार मेरे लिए रखी, लेकिन एक साल के बाद मुझे MPA बनना था। तो मैंने अपना जो कंटेस्ट किया, अपने पेपर्स जमा कराए, तो 2002 में आई वॉज MPA। ये मेरे सियासी उसका सफ़र का आगाज़ था। और मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में, मैं आपको सच बता रही हूं कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, और ये तो मैं अपने वक्त का बता रही हूं। उसके साथ साथ जो अब मैं आपको बता रही हूं, 2016 में अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से हों। अच्छा, अगर या तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, या फिर उन्हें बहुत कम मौके जहाँ पर कहीं चीज़ हो जाती है तो वो साइड पे हो जाती हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन राहिला, एक और बात जो आप, जहाँ आपने बड़े अच्छे ये हुआ कि अपनी ज़ात को सामने रखे और माशाल्लाह करा कई सब, एक जो बल्कि एक वक्त आया कि लोग मशरक़ी पाकिस्तान की तरह ये हवाले करने लगे कि हमारे जी कोई सेक्रेटरीज नहीं हैं, हमारे यानी 28 अगर सेक्रेटरीज हुए थे कोई एक नहीं, हमारे सफ़ीर नहीं हैं, डिप्लोमेट नहीं हैं। अब यही कह रही है कि जी मैं पहली खातून थी जिन्हें जन्म न गया, बलूचिस्तान वहाँ यूनिवर्सिटी ही नहीं थी, सूबा भी 1970 के बाद हुआ, हमारे यहाँ सब मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। तो अब आप ये समझते हैं कि तवील मौजू है, और मैं फिर गुरेज करूँगा प्योर पॉलिटिकल हवाले से, ये जो मैं, अच्छा, अरे ये नाराज़ और महरूम,
लेकिन क्या वाकई आप समझते हैं, जैसे काजी साहब हैं वो भी कहेंगे जी पठानी तो है जी, बलोच तो नहीं है ना कोई, इतने चार मुल्कों में सफीर अगर रहा, अगर इस तरह आप किस तरह समझते हैं हमें थोड़ा सा, मैं तो बहुत कम जानता हूँ कि किस तरह हम समझें कि मेन स्ट्रीम यानी जोग्राफिया के एतबार से सबसे बड़े हैं, आबादी के एतबार से भी अब आप लोगों की नुमाइंदगी है जहाँ आप समझते हैं कि होनी चाहिए काजी साहब? देखिए अगर बलोचिस्तान के बारे में बात करनी है तो सियासी जो हालात हैं उनसे गुरेज नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरेज करेंगे तो फिर वो हम मुनाफ़त की तरफ जाएंगे। इधर वालों ने कहा ना, हाँ। ये पीछे ऑक्सफोर्ड वालों ने कहा जी, ये ऑक्सफोर्ड वालों को जो हाँ, लेकिन इसलिए जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया यार ये तो नाम है इसको आप वाइडर भी कर सकते हैं, इसमें जो आप चाहें इंक्लूड करें। तो इसलिए मैंने कहा देखें जब उनको मज़लूम कहें, उनको महरूम कहें, इस्तेसाल के शिकार हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। और जिस तरह फहमीदा साहब ने बजा फरमाया कि सिर्फ बलोच नहीं है, पाकिस्तान के और लोग सिंध पंजाब में फ्रंटियर में फाटा में मज़लूम लोग हैं और लोगों के साथ जाती हुई है, क्योंकि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो सारे जो हैं ये पैथोलॉजिकल हैं, जिससे वो एक मेडिकल के ये गलत हैं, बहुत गलत ज़्यादा हैं और किसी असूल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बतौर ख़ास इस्लामी जो असूल हैं उनसे कोई मुताबकत नहीं है इनकी। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, मैं पठानों की भी बात करूँ वहाँ, क्योंकि मकामी लोगों में से बलोच बरावी भी हैं और पश्तून, और लेकिन आप जानते हैं जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि बलोच सबसे ज़्यादा उदास या मायूस या अफसरदा लोग बनाए गए हैं, क्योंकि उनके साथ जो जुलूम होते नहीं हैं, नहीं बजाते खुद तो क्यों होते हैं, उनकी शायरी देखें, उनके नजर देखें, उनकी तबीयत देखें तो बड़े हशाश खुश बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग कभी उदास नहीं हो सकते, लेकिन जो उन पर जुल्म जब किया जाता है और कितने अशरों से जब से पाकिस्तान बना, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। सर आपने फरमाया कि 1970 में जाके उनको प्रोविंशियल स्टेटस मिला, हाँ, और वो ईस्ट पाकिस्तान के हारने के बाद, तो आप खुद ही महसूस करें। और बलोचिस्तान के बारे में बाकी पाकिस्तानियों को तो एक तो उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, पठानों के बारे में कुछ नहीं पता, और ये भी नहीं पता का मसला क्या है बलोचिस्तान में, जुल्म और इस्तेबदाद को वो नहीं समझते हैं कि वो, क्योंकि एक कहावत है कि भाई लाहौर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से बलोचिस्तान नहीं दिखता, दूर है, दूर अफ्ताद है, इसको कौन देख सकता है, लिहाजा। और फिर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीपेक क्योंकि बन रहा है, अभी ग्वादर की बात हो रही है, फिर से बलोचिस्तान की बात हो रही है, लेकिन दरअसल बलोचिस्तान के बारे में जो कहा जाता है, जो जिसको नैरेटिव कहा जाता है, फेडरल नैरेटिव या मेन डोमिनेंट नैरेटिव, और नैरेटिव का मतलब क्या, कहानी, और कहानी अक्सर जो है वो हमेशा वो हकीकत से ताल्लुक उनका कम होता है और बनावटी होता है। तो ये जो डोमिनेंट नैरेटिव ये है कि हिंदुस्तान जो है दखलंदाजी कर रहा है, अब हाल ही में कोई पकड़ा गया है, और लिहाजा नहीं तो वहाँ के लोग बड़े खुश हैं, बहुत ठीक हैं, वो उकसाने वो बाहर से आते क्योंकि इनकी दुश्मनी है। अब वो सही बात है, वो आ रहे हैं और वो पकड़ा गया है, और उनसे पहले और भी आए हैं, और इनसे नीचे और जूनियर वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन वो जिस तरह अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, वो वाटर्स ट्रबल्ड क्यों हैं, वो वाटर्स हिलाए गए हैं, इतने गंदे क्यों हुए हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो शुरू दिन से, अब वो हकीकत पहले जानने की ज़रूरत है ताकि सही मानों में ये आप उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को पहचाने। और आजकल क्योंकि ये एक सरतान है, सियासी सरतान जो शुरू हुआ बलूचिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बाकी बॉडी पॉलिटिक में, बदन में, सियासी बदन में ये फैल चुका है, और आपको नज़र आ रहा है हर एक जगह कि ये हो, तो अब तो तमाम पाकिस्तान बलूचिस्तान बन गया। तो अब तो कम अज़ कम हमारी कुछ समझ होनी चाहिए कि बलोचिस्तान के मसाइल क्या हैं, क्योंकि जब तक बलोचिस्तान आप नहीं समझेंगे उस तक तक आप पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस आप कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जहाँ पठानों का जस्ट मुख्तसरन, पठान जो हैं बलोचिस्तान के, अब मेरे दोस्त अभी बता रहे थे उनका ताल्लुक है, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं और बहुत ही करीबी दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं गया हुआ था पशीन, मेरा जो शहर है, गांव होता था अभी शहर बन गया, अच्छा हाँ, तो और वहाँ
उनका कोई प्रोजेक्ट था तो उन्होंने लीफलेट्स छपवाए थे बलोची में कि वो समझे वहाँ, तो वो जब उन्होंने देखा ये क्या किस जबान में आपने लिखा है, तो उन्होंने कहा ये आपकी जबान है, कौन सी जबान, ये तो बलोची है भाई, हम तो पठान है, अगर आपने हमारे लिए लिखना था तो पश्तो में लिख लेते। अच्छा तो मैं, और ये अकेले नहीं हैं, मुझे याद है कि शिकागो में जब मैं अमेरिका में सफ़ीर था, प्रेसिडेंट मुशर्रफ आए हुए थे और उनके साथ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो वैसे ही गपशप, क्योंकि वो मिजाज के तो बड़े अच्छे मज़ेदार शख्स थे, उनके सियासी नकायश जो भी हैं वो आजकल उसके बारे में हम गुफ्तगु नहीं करेंगे, तो वो बलोचिस्तान की बात कर रहे थे कि भाई आप लोग जो बलोचिस्तान में हैं आप क्यों इतनी मतलब वो बेचैनी के शिकार हैं और बड़े आप शक करते हैं और ये वो फलाना, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप तो सदर हैं पाकिस्तान के, बताइए बलोचिस्तान के लोग कौन हैं, तो कहा बलोच हैं। मैंने कहा और कोई नहीं है बलोचिस्तान के मकामी लोग, उन्होंने कहा हाँ वो ब्रावी भी हैं, वो तो वो सारे एक हैं तकरीबन, और उनके अलावा, तो उन्होंने कहा उनके अलावा और कौन है, तो मैंने कहा उनके अलावा पठान नहीं है, तो उनका पठान भाई अगर पठान है वहाँ वो तो पेशावर से आए होंगे, अफगानिस्तान से आए होंगे, फाटा से आए होंगे, हाँ मैंने कहा बलोचिस्तान में कोई पठान नहीं है, है हाँ है आधी पॉपुलेशन जो तकरीबन, या हमारे बलोचिस्तान पठानों की गुफ्तगू होती है इस पर कि कौन ज़्यादा है, नहीं मैं मानता हूँ कि हमारे बलोच भाई हमसे कुछ ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा है लेकिन इतने ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक में अगर काजी साहब आपका जितना तजर्बा है एक परसेप्शन ये है, और मैं वाहिद मखबूजदार से ये कहूँगा कि जो बलूचिस्तान में जो तहरीकें चली मेन डोमिनेट, सही बात, ये बिल्कुल सही बात, उसमें जो डोमिनेट तहरीकें चली लेकिन उसमें जो फोर फ्रंट पर आकर वो ज्यादा बलोच लड़े ना, जी जी जी, मतलब झालावान का इलाका हुआ या सरावान का हुआ या उस तरफ का हुआ, इसलिए तो एक जो बलूचिस्तान का जब जिक्र आता है तो उनकी स्ट्रगल के हवाले से, उनकी मुसल्ला जदवियत के हवाले से, फिर जो लिटरेचर में भी अगर देखें तो मीर गुल खान जो उनके ज्यादा जो प्रोमिनेंट अदीब आए वो भी बलोची शायरी हुई, शायद ये समझाया गया कि एक दो ठीक है, मैं नहीं कहता कि अब्दुल समद खान चगदई का बड़ा नाम है और हमारे बहुत काकड़ उन लोगों ने भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल सही है, ये जहाँ तक तहरीक और ये जो मज़ाहमत है जुल्म के खिलाफ, क्योंकि बलोच भाइयों के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ है, पठान जो हैं वहाँ के वो उनके सरदार भी छोटे सरदार हैं, उनको मलिक ज़्यादा कहते हैं, और जो कुछ बड़ा है जिस तरह सरदार जोगजई या सरदार तरीनों का या और जैसे, तो वो सरदार लेते हैं जिस तरह काबुल के सरदार होते थे, पिशौरी सरदार जाके बादशाह बने वहाँ, असल में पठान जो हैं बलूचिस्तान के उनका ताल्लुक ज़्यादा कंदहार से रहा है हिस्टोरिकली, और बजाय पेशावर से, और हम समझते हैं और बजाय तौर पे समझते हैं कि पश्तो ज़बान की जो ओरिजिन है वो कोहे सुलेमान में हुई है, जो कि हमारे समय बलूचिस्तान में, और जो लिखी जाती है पश्तो वो हमारे पश्तो में लिखी जाती है, वो प्रनाउंस जो शीन है पश्तो को अगर आप स्पेल करें वो पख्तों में नहीं लिखेंगे, पेखेते वाव नहीं लिखेंगे, आप पेशीन लिखेंगे और शीन को वो खीन कहेंगे, लेकिन दरअसल ओरिजिनल पुराना पश्तो जो है वहाँ से आया हुआ है, जिसको कहते हैं सुहेली पश्तूनिस्तान, जो सदर्न पश्तूनिस्तान है, अब पश्तूनिस्तान कल्चरल माने में मैं उसका वो कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी बात सही है, क्योंकि सरदार बड़े थे तो सरदार की मुजामत हुई, लेकिन मुजामत तहरीक को आप सरदारों के साथ वो इक्वेट ना करें, क्योंकि ये दरअसल आवाम के खिलाफ था और वहां के सरदार जिन्होंने हिस्सा लिया, ज्यादातर सरदारों ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो पानी की वजह से वो डिपेंडेंट थे हुकूमत पे हमेशा, लेकिन ये दूसरे जो थे हमारे मैंगल ये मरी और बुगटी जिनका पानी से कम ताल्लुक क्योंकि वो माउंटेन्स में ज्यादा रहते थे और वो गरीब थे वो जमालियों वगैरह उनके मुकाबले में, लेकिन वो जंगजू कुछ ज़्यादा थे तो, और इसलिए वो पॉपुलर सिंबल्स बने और इस्तेबदाद के खिलाफ वो सिंबल्स बने, लेकिन अब जो मज़ामत है सरदारों उसको लीड नहीं कर रहे हैं, वो आम बलोच उनको लीड कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स उनको लीड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उनको लीड कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ तक या उनकी सुनवाई नहीं होती है बाकी आपके साथ जो स्पीकर साहब बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक तो स्पीकर हैं, हाँ माशाल्लाह भी स्पीकर हैं, जमात की स्पीकर हैं, पश्तून है, और बलोच भाइयों का गिला है कि हमने वो हमदर्दी नहीं दिखाई है जो बहसित बलोचिस्तानी हमें दिखानी चाहिए थी। अच्छा करीजा, तो मैं वाहिद आपसे बिल्कुल बस कह सकूँ जैसे जो लिटरेचर के हवाले,
अगर मैं प्योर लिटरेचर के हवाले से करूं, क्योंकि मैं तो उस तरह आप ये कह रहे हैं कि जैसे पश्तून बलोची नहीं पढ़ पाता, बलोच पश्तून नहीं, आपके ख्याल में जितना मज़ाहमती अदब मीर गुल खान से लेकर, और मैंने कहा ना कि आज़ाद जमालदीनी हो फिर बाद में हमारे अतशाह हो, तो क्या हाँ वही पश्तों में कितना मज़ाहमती अदब है, और आप लोग भी शायद जब बलोची अदब का या बलोचिस्तान के अदब का जिक्र करेंगे तो सिर्फ बलोची अदब का जिक्र करते हैं, या वही जो बरावी कह लें, पश्तूनों का भी आप समझते हैं कि लिटरेचर में वाहिजान जो मज़ाहमत है ज़ाहिर है, अब वो सारी हमारी जितनी भी ज़बानें हैं पश्तो या पंजाबी वगैरह, बस अजमल खटक की आप शायरी ले लें, या पंजाब से उस्ताद दामन की आप शायरी ले लें, या आप शेख याद को ले लें, यहाँ गुलखान सीर को आप ले लें, या फैज़ अहमद फैज़ साहब को ले लें, या हबीब जाल, देखिए ये सारा एक एक ऐसी तहरीक थी उस ज़माने में, ये सारे लोग बुनियादी तौर पर ज़िंदगी को एक 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 टोटलिटी में देख रहे थे, ज़िंदगी को एक एटर्निटी के हवाले से देखना चाहते थे, और यही बलूचों के साथ और पश्तो अदब में भी यही, आप अजमल खट्टक की पूरी शायरी देखें, देखिए गदल की शायरी भी बड़ी मुज़ाहमत की शायरी है, देखिए वो अंदर की शायरी है, अंदर की मुज़ाहमत है, रोमांटिक पोएट्री बुनियादी तौर पर समाज की अंदर की लड़ाई है, जबकि जो दूसरी जो मुज़ाहमती शायरी है वो समाज की बाहर की लड़ाई है, और बलोचों की सबसे बड़ी शायरी है, लेकिन पहले मैं पश्तो शायरी मैंने पढ़ी है, पंजाबी पढ़ी है, इतनी खूबसूरत, ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं मजबूरन कह रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत अप्रोच जो है बलोची शायरी की किसी की भी नहीं है, उनके पास देखिए अकबर बारिक नहीं है, वो देखिए सारे वो एक मरकजी नगरी एक शायर है, एक ऐसी सेंट्रल आइडियालॉजी इंसानों की, बलोच ने कभी गुलखान सिंह ने जब भी बात की तो सिर्फ बलोच कौम के हवाले से बात नहीं की, उसने पूरी इंसानियत के हवाले से बात की, जहाँ वहाँ एक बलोच जो है किसी दुख में मुबतला है तो गुलखान सिंह उसी तरह उस पंजाबी को महसूस करते हैं। लेकिन एक और मैं आपको बात कहूँ, बलोची में भी कही होगी बलोच में मजा शायर की, और फहमीदा यहाँ बैठी हैं, और अगर जाती होगी कि अगर मैं पंजाब के एक शायर हबीब जालिब का जिक्र ना करूं कि जनाब जब पूरी तहरीक शबाब पर थी तो वो लिख रहे थे उठो पंजाब के लोगों बलूचिस्तान जलता है, बलूचिस्तान जलता है तो पाकिस्तान जलता है, और यही नहीं बल्कि आपको इल्म है उस वक्त नवाब अकबर खां बुगटी गवर्नर ही नहीं सबसे बड़े नवाब थे, और क्वेटा के जलसे में जब जालिब साहब ने यह नज़म पढ़ी अयूब स्टेडियम में, सुन भई अकबर बुगटी बात महकी ठुकती, अब आप और करें कि अकबर खां बुगटी को ललकार रहे क्वेटा में बैठकर, लेकिन खैर मैं नवाब साहब की एक और भी खूबी की दाद दूंगा कि वो पूरी उन्होंने वायलेस से पूरी नज़म सुनी है, सुन भई अकबर बुगटी बात कहूँ मैं ठुकती, जमहूरी तहरीक है ये अब रोके से नहीं रुकती, तो बाद में अपने उन्होंने दामाद को भेजा कि जालिब को लेके आओ, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इस तरह नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने करा और फिर वो नवाब साहब के पास ले गए, तो नवाब साहब बड़े डरे कि कहीं जालिब साहब आके उनके सामने कोई इरादा ना करें, तो बोले मेरे ख्याल में शाम का वक्त है, जालिब का मूड अच्छा नहीं है, इससे कहो मैं लाहौर में आके तुमसे मिलूंगा। तो ये कि एक उर्दू में भी बलूचिस्तान की जो तहरीक थी जैसे मैंने कहा, और बल्कि मैं फहमीदा यहाँ बैठी है एक दो बंद जरूर उसे सुनूंगा, लेकिन राहिला ये जो गुफ्तगू हो रही है मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा ये पश्तून और बलोच तो आ गया, लेकिन आपके ख्याल में जो मैंने पहले भी सवाल किया कि मेन स्ट्रीम में उन्हें शिकायत ये है नाराज या महरूम कि हमें वो नुमाइंदगी मिलती है, आप कहती हैं कि जी इस वक्त बलूचिस्तान में ख्वातीन बहुत बड़ी तादाद में हर शोबे में आ रही हैं, क्या उन शोबे में आके उन्हें फिर इस्लामाबाद में उन मरकजी जगहों पे नौकरियां मिलती हैं क्या, आप क्योंकि बहरहाल ज्यादा जॉब्स यहाँ हैं पंजाब में या मरकज में? ये इस ट्रू के जो हमारे फेडरल में जो हमारा इवन कोटा है ना वो नहीं पूरा हो रहा अभी तक, हमारा कोई फेडरल सेक्रेटरी नहीं है फेडरल, परसेंटेज तो कहलाते हमारा परसेंटेज तो हो गई है जी, माइक पूरा है मैंने आस्था ही बोल तो हमारा ये पूरे बलूचिस्तान का इंक्लूडिंग मी हमारा ये गिला है कि जो फेडरल में किसी भी जगह पे अगर वो बलूचिस्तान के हवाले से कोटे की बात होती है, कोटा तो छोड़ें वैसे ही अगर कोई नुमाइंदगी होती है तो वो हमें नहीं मिलती, ये पिछले सालों की बात भी करूँगी जब से पाकिस्तान बना है और अभी की भी बात करूंगी, और ये बात है कि अगर कोई आ भी रहा है ना, अगर कोई इंडिविजुअल एफर्ट से आता है, इंडिविजुअल एफर्ट से अगर वो कोई डॉक्टर है अगर उसकी उसमें इतनी एबिलिटी है तो वो आके अपना कोई यहाँ पर अपना एक दिखाता है कि उससे लाइते हैं उसका मजा, तो उसकी वजह से अगर वो आ जाएगा, कोई प्रोफेसर होगा तो उसकी वजह से आ जाएगा, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट कोटा है एज अ प्रोविंस वो हमें नहीं मिलता मेरे ख्याल में 5 ईयर्स है। मैं ये काजी साहब इसका जवाब, काजी साहब हमारा कोटा बलूचिस्तान का फेडरल मुलाजमतों में जो आप रहे हैं तो उसमें आप एक ही से बीट से क्या बस नहीं मैं एक ही नहीं मेरे साथ मेरे हम गुल हनीफ अच्छा
मैं तो कोटा पे नहीं आया था, हम तो मेरिट केस पे, मेरिट केस पे आए हैं ना, जो मैं कोटे की बात कर रही हूँ। और इसी तरह देखिए, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी बरेली साहब के, हम हमेशा फेडरल से शिकायत करते हैं और मिस समेत तमाम बलूचिस्तान के लोगों को ये शिकायत है रही है। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगी कि लास्ट अभी मैं गवादर से होके आ रही हूँ, गवादर में सेमिनार था और उसमें हमारे सीएम साहब ने भी ये बात की और मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़दीक थी, कि हमने बीइंग अ बलूचिस्तानी अपने लिए क्या किया, दिस इज़ अ क्वेश्चन नाउ। और ये मेरे से जो यंग जो ये जनरेशन है आज, वो भी हमसे पूछती है, और हम जब यंग थे तो हम अपने बड़ों से पूछते थे कि बीइंग अ बलूचिस्तानी हमने क्या किया। और नवाब साहब ने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि मैं नवाब हूँ, मैं सीएम हूँ, तो हमने बलूचिस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, गिले अपनी जगह, जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह, बहुत बड़ी सियासी बातें हैं, इस वक्त हम लिटरेरी माहौल में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें इंसान को अपना एहतसाब अपने से शुरू करना चाहिए। पहले एक दफ़ा हम उंगली उठाते हैं और बाकी चार तीन हमारी तरफ जाती हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। मैं एक सेमिनार था काफ़ी अर्से पहले जब मैं स्टूडेंट थी, तो वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन हुआ कि जी आप बताएं कि आप एक बिल्डिंग बता दें, एक कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ बता दें कि जो आपने बलूचिस्तान में बनाई हो, ये 90s की बात है, तो यकीन करें कि देर वॉज़ नो आंसर। तो बात यह है कि यस, हम बलूचिस्तान के लोग, मैं मुजाहिद साहब आपको बताऊं, हकीकत में आपको बता रही हूँ, चाहे वो पठान है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो बरोई है, वहाँ पंजाबी भी रहते हैं, वहाँ पर हज़ारा भी रहते हैं, हमें उनका भी जिक्र करना चाहिए। हम ये नहीं है कि सिर्फ तीन कौमें आबाद हैं वहाँ पर, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं। तो बलूचिस्तान तो एक मल्टी कल्चरल जो है वो एक सूबा है, और उसमें कहीं ना कहीं हकीकत यह है कि वफाक की तरफ से इग्नोरेंस हुई है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के लोग बहुत मोहब्बती, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ये मैं आज भी हर जगह कहती हूँ, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे पंजाब हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मैं जहाँ भी गई हूँ मैंने ये महसूस किया। मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम हेयर ऑन दिस पोजिशन, बट आई एम टेलिंग यू कि जितनी रिस्पेक्ट बलूचिस्तान में खातून को दी जाती है और मेहमानों को दी जाती है, किसी को भी दी जाती है, लेकिन खास खवातीन को दी जाती है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं दी जाती। मैं सच आपको, और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि वहां के पंजाबी भी बलोच लगते हैं वो इतने ज्यादा उधर घुल मिल गए, वो उसी तरह है वो। मैं तो बल्कि कहती हूँ, वो तो मुझे एक लड़का था, वो हमारे कोई गाड़ी का काम कर रहा था, तो मैंने, वो इतनी अच्छी बलोची बोल रहा था, तो मैंने उसे कहा, उसने एकदम मुड़ के किसी से बात की तो पंजाबी में, कि मैं इतनी हैरान हो गई कि बलोच है या पंजाबी है। तो मैंने उसे कहा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं पंजाबी हूँ, और इतनी फ्लुएंट उसका एक्सेंट। और वो तो देखें, ये नफरतें अब हमें छोड़ देनी चाहिए कि वो पंजाबी है और वो बलोच है और वो पठान है। मैं ذاتی तौर पे, मेरी एक, मैं अपनी नेचर और अपनी सोच की बात करती हूँ, ये सच है कि प्रॉब्लम्स हैं, रहे हैं, लेकिन आखिर ये प्रॉब्लम्स हम इन्हीं बहस के तहत चलाते रहेंगे, हमने कहीं तो इसका एंड करना है। नाउ वी शुड थिंक कि वी आर हियर एज अ फेडरेशन, हम एक मुल्क में रहते हैं। आपके कहने से काजी साहब से पूछूं, ये कहते हैं हमें ये छोड़ देना चाहिए कि हम ये हैं, क्या छूट जाएंगी? नहीं, वो जो एक डीप रूटेड की बात, उनकी बात बिल्कुल सही है। और वैसे मजाहियन मैं ये आपसे अर्ज करूंगा, हमें अपने जो पंजाबी जो रहते हैं बलूचिस्तान में, वो पूरी तरह से बलूचिस्तानी हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी जो शिकायत है बहैसियत बलूचिस्तानी, इस्लामाबाद उनसे हैं जो बलूचिस्तान में नहीं रहते हैं लेकिन हुक्मरानी करते हैं। अच्छा वाइट, एक क्विक फिर, ताकि मैं चाहता हूँ गुफ्तगू समेटा जाए। एक साहब आ गए, उन्होंने मुझे दिखा दिया है कि 9 मिनट रह गए आपके पास तो इसमें भी भाई जान, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। ख़ास तौर पर जो आपके यहाँ छप रहा है, शाये हो रहा है, वो गुल खान का अगर नहीं भी शाये होता, इतनी पाबंदी लगी, फिर भी सब जानते हैं मीर गुल खान को, अतशात तो खैर यहाँ आते थे, लेकिन आप ये समझते हैं कि जितना आपका जो लिटरेचर लिखा गया, हिस्ट्री ख़ास तौर पर मलिक मोहम्मद पना से लेकर, बल्कि अभी तक उनकी पता दोबारा छपी नहीं छपी है, जो हिंदुओं ने हिस्ट्री आपकी लिखी है वो भी, किस हद तक आप समझते हैं कि यहाँ पहुँचती है आपका लिटरेचर, आपका जो जेन्युइन है, रिप्रेजेंट करता है? वाहिद जान जी,
चलिए लिटरेचर वाइज नहीं और भी आपका है उसको वसी सुन। ये बात है कि बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि बलूचों का मसला क्या है। एक्चुअली ये है कि ये मेरे ख्याल में गुलखान नसीर ने इसको आइडेंटिफाई किया कि एक एक तरफ से वो पैरासाइट है जो सरदार और फीडल और ये, और दूसरे तरफ वो अवाम जो अमीबा की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जब भी हम बात करते हैं कि असल मसले को हमेशा इग्नोर किया जाता है। बलोची लिटरेचर ने इस चीज़ को गुलखान नसीर से लेकर अकबर बारग़ तक ये सारा जो मसला है थी, ये जो पैरासाइट है ना, तो सबसे पहले तो लड़ाई इन पैरासाइट के खिलाफ होनी चाहिए जो बलोच सरदार हैं, डेरे हैं, जो वहाँ फ्रोन बने बैठे हुए हैं। अच्छा भाईजान, माजद के साथ, भाईजान माजद के साथ गालिबन 7 मिनट रहते हैं, 2 मिनट तो मैं मखसूस कर देता हूँ आखिर में फहमीदा की नज़म के लिए जो बलूचिस्तान पे होगी। अब जो मुझे बताया गया 5 मिनट, तो 30 सेकंड का सवाल हो और 30 सेकंड का जवाब हो, ताकि 4-5-6 क्वेश्चन ले लें। कहाँ से शुरू करें भाई? सबसे बैक से हारिस। अच्छा चले हारिस प्लीज जी माइक, आपकी पहुंच जाएगी आवाज, बल्कि बाहर तक जा रही है। वो ये कि अगर आप थोड़ा सा, चूंकि ये अदब के हवाले से गुफ्तगू की तवक्कुर है बहुत सारे दोस्तों को, इस वक्त बलोची अदब में किन असनाफ में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है और क्या मौजूआत जेर बहस हैं? देखिए बुनियादी बात यह है कि बलोची अदब को जहां तक मैंने समझा है या समझने की कोशिश की है, तो मैंने उसमें एक चीज फील की है कि बलोच जो है वो सिर्फ अपने हवाले से नहीं बल्कि वो अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ के देखते हैं। वो जिंदगी को एक एक टोटलिटी में देखते हैं। वो इंसान का मुकद्दर इंसान ही समझते हैं। वो कहते हैं कि जी बलोचों की जो डेस्टिनेशन है या डेस्टी है, मुकद्दर है, वो इंसानों के साथ वाबस्ता है। और बलोची शायरी बुनियादी तौर पर मैंने देखा है कि वो जमहूरियत की शायरी है, वो अमन और इंसाफ की शायरी है। ठीक है भाईजान, खातून स्पीकर बैठी है, एक जवाब देना चाहती हूँ और वो ये, जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ रिसाला संगत आता रहता है, बलोची में नज़में लिखी जा रही हैं, बलोची में शॉर्ट स्टोरीज लिखी जा रही हैं और इसके अलावा नॉवलें, जिनका यहाँ जिक्र कम हुआ बल्कि उनको बुलाया जा रहा था बादिनी साहब, इसके अलावा और भी। तो अब जो नया जो बलोची अदब लिखा जा रहा है उसमें नज़मों में पाबंद नज़में भी हैं, आज़ाद नज़में भी हैं और नसरी नज़में भी हैं। रिसाले ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं मगर एक जो मेरी नज़र से गुजरता रहता है संगत के नाम से, शाह मोहम्मद मरी जिसे निकालते हैं, तो उससे पता चलता है कि जो मॉडर्न जितने भी असनाफ हैं वो बलोच राइटर ने अपनाई हुई है। आप 4 मिनट रह गए, एक अच्छा खातून स्पीकर बैठने के लिए, एक खातून ताहिरा जी, ताहिरा को क्वेश्चन प्लीज। मैंने कहा कि 2 मिनट, 1 मिनट और दे दे भाई। शुक्रिया बरेलवी साहब, मेरा नाम ताहिरा है और बहुत एहतराम के साथ, बहुत माजरत के साथ, बलोचिस्तान जहाँ पर औरतों की बहुत इज्जत की जाती है वहीं पर औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है और जो करते हैं वो पार्लियामान में होते हैं। और जब बलोच औरत, एक बहादुर बलोच औरत सेनेट के फ्लोर पर इस इश्यू को उठाना चाहती है तो उस वक्त उनको कहा जाता है कि 12 गयूर बलोच क्वेटा से चल चुके हैं तुम्हें कत्ल करने के लिए, वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। तो ये उसी बलोचिस्तान का भी जिक्र हो रहा है। मैं वाहिद बख्श बुज़दार साहब से सवाल पूछूंगी। वाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि बलोचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अखबारात, रेडियो और टेलीविजन पर कोई सेंसरशिप नहीं है? ये बड़ा हसास सवाल है। मैं बुनियादी तौर पे लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं चीज़ों को उसी हवाले से देखता हूँ और उसी हवाले से उनको डिफाइन करता हूँ। बाकी जो है आप देख रहे हैं कि अब यहाँ हमारे ये जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ कि आप 3 शहरों का नाम बताएं बलोचिस्तान के, वो नाम नहीं बताएंगे और भारत के साथ नहीं बताया जाएगा। अच्छा अब जो है मौजूद, सॉरी मुझे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वाले टाइम का बहुत पाबंदी करते हैं। और दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ बलोचिस्तान के राइटर की किताब जो उन्होंने डेडिकेट किए थे पंजाब के दानिश्वरों को, अदीबों को, वो मैंने रद्दी में बिकते हुए देखे हैं। चले वो सबकी बिक रही है। अब जो मैंने कहा कि वक्त का मसला है,
ردی میں بکتے ہوئے سال تک میں یہاں رہا ہوں. میری جو خواہش ہے کہ بلوچستان ناراض بلوچوں کو ایک گھنٹہ اور دے دیا جاتا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی آؤٹ روڈ والے ہمارے ٹائم کی پابندی ہوتی ہے, اس لیے آخری دو منٹ. اور میں چاہوں گا کہ اچھی, کیونکہ بھائی وہ پابندی لٹریچر اور شاعری کی ہے, فہمیدہ کی نظم پہ ہم کیوں اسپیکر صاحب اجازت ہے آپ کی اجازت ہوتا ہے بھائی دو منٹ ہمیں دے دیں اگر آپ اجازت لے لیں. جی ہیلو سر, مار جمالی. ایک پہلے تو تھینک یو, سوال پلیز سر. سر ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, اینڈ قاضی صاحب تھینک یو سو مچ فار پٹنگ دا فیکٹس اینڈ دا پرسپیکٹو. سر ون لائنر ایک ہی سے بتا دیں, واٹ آر دا اسٹیپس پریکٹیکلی اپلیکیبل ٹو برنگ بیک دا اولڈ گلوری آف بلوچستان؟ پریکٹیکلی ون لائنر بتا دیں. انصاف, انصاف اور شمولیت. جی اسپیکر صاحبہ آپ کی اجازت سے فہمیدہ کی ایک چند شعروں پہ میں پروگرام کا اختتام کر. اچھا پہلے ایک طاہرہ صاحبہ نے کمنٹ کیا, میں اس پہ بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, دیکھیں میری بڑی محترم ہے اور میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں. میں نے وہ بات کی جو میں نے یہ جو ہسٹری کے حوالے سے بھی اور جنرل حوالے سے بھی, دیکھیں کرائمز آر دیئر ایز لائک ان ایوری پارٹ آف دا ورلڈ. میں ابھی نیو یارک گئی, وہاں ایسے ایسے کرائمز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے. تو بات یہ تھی ہم نے سب بیٹھے اور دنیا کی تمام خواتین کا مجھے تو ادھر یہی نظر آیا کہ دکھ ایک ہی جیسا ہے, مختلف حوالوں سے, مختلف ایشوز کے حوالوں سے ان کے جو تکلیفیں ہیں. اب میں یہ بتایا جائے کہ میں اسپیکر صاحبہ کو کیسے روکوں. سوری سوری, مجھے اب یہ میں نے کہا نا کہ تو اسپیکر صاحبہ ہیں, ان کو تو میں روک ہی نہیں سکتا, لیکن آکسفورڈ کے اب ایک دو تین چار کھڑے ہو گئے. لاسٹ جملہ کہہ رہی ہوں جی, میں اس چیز کو اس طرح سے لیتی ہوں نا, میں یہ نہیں کہ دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے میں تو اس کو بھی کہوں گی. جو برا کام ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہوتا ہے اس پہ سب ایجیٹیٹ کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گی, آپ نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے, کریں گے. اور جو کرمنل قسم کے مائنڈیڈ ہے وہ تو دنیا میں ہر جگہ ہے. دیٹس آئی ایم سے اوکے. تو آپ تو یہ میرے خیال میں فہمیدہ کی نظم آپ مشاعرے میں سن لیجیے گا. اور اچھا یہ چند شعر چلے فہمیدہ پلیز. بلوچ باندھی رات بلوچ کی, اب پتھروں پہ دمکتا کیلا لہو. جی دیکھیے کم از کم کوئی تو تھا ویسٹ پاکستان پاکستان میں جو کہ بلوچوں کے لیے اور معلوم کر کے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کچھ لکھا انہوں نے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نے بھی نہیں لکھا. ایک نے تو لکھا تھا. یہ تھا وہاں پر دیکھیے بومبنگ ہو رہی تھی اور چونکہ وہ پہاڑوں پر چھپے ہوئے تھے یہ لوگ جو لڑائی کر رہے تھے, تو اس بومبنگ کا شکار جو پہاڑی کی ترائیوں میں گاؤں جو تھے وہ بھی آ رہے تھے اور اس میں بھی لوگ مارے جا رہے تھے. تو پورے پاکستان میں خبر نہیں. تو یہ نظم اس طرح سے تھی کہ پتھروں پر دمکتا اکیلا لہو بے سہارا لہو بہ رہا ہے, میرے بیٹے یہاں دیداور کون ہے جو نظارہ کرے, دامنِ کوہ میں کیسے چمکے ہیں یاقوت و مرجان, ہم وطن تو کوئی سننے والا نہیں, پتھروں نے سنی درد کی سسکیاں آخری ہچکیاں, اور جسم پر پیرہن پارا پارا گولیوں سے بدن پارا پارا بے سہارا لہو بہ رہا ہے. یہ تھا کہ ڈوبتا ہے فضاؤں میں سورج, سنسنانے لگا ہے کوہستان, اور کچھ دیر میں رات آ جائے گی, رات چھا جائے گی, دوسری صبح ہے صبح محشر, صبح محشر کے جب قہرمانی کا ایک پیکر آتشی بن کے سورج زمین سے نکل آئے گا, جو بھی ہے اس زمین پر وہ جل جائے گا, جو لہو تھم گیا سنگ پر جم گیا اس لہو کی سیاہی رہے گی, اور یہ سیاہی رہے گی ابد تک بے حسوں کی جبینوں کی کالک, اس سیاہی کو پھر کون دھو پائے گا, کوئی پیغام تجدید الفت, کوئی سیلاب اشک ندامت, حوصلہ کس میں تھا کس میں ہے حوصلہ, وقت لکھتا ہے تاریخ کا فیصلہ,
दामने कोह में हम न जाने अगर हम न माने मगर ये हमारा लहू बह रहा है। थैंक यू राहिला साहब, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू काजी साहब, थैंक यू फहमीदा, थैंक यू भाईजान और सब लोगों का। देखें काजी साहब, आप इब्तिदा में कह रहे थे कि माशाल्लाह का काफ़ी तादाद में लोग बलूचिस्तान के लिए आए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।